इसी महीने कुमोलिका के किरदार को छोड़कर हीना खान विक्रम भट्ट की फिल्म के लिए शूटिंग शुरू करने वाली है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि हीना खान इस फिल्म में फैशन एडिटर का किरदार निभाएंगी। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि विक्रम भट्ट ने हीना को ही इस फिल्म के लिए क्यों चुना। इसका खुलासा खुद विक्रम भट्ट ने ही अपने एक इंटरव्यू में किया। विक्रम भट्ट ने कहा, मैंने हीना को ये रिश्ता में देखा था, उसके बाद मैंने हीना को बिग बॉस सीजन 11 में देखा। हीना ने खुद को गजब तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। मैं सोच रहा था कि कोई जब खुद को इतना ट्रांसफॉर्म करता है तो उसमें एक झटके में ही इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है। हीना खान ने न केवल अपनी ड्रेसिंग सेंस को बदला बल्कि इसके साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी बदला। हीना खान ने अक्षरा के किरदार को जिस तरीके से पीछे छोड़ा वो वाकई एक अच्छे एक्टर की पहचान है। विक्रम भट्ट ने आगे कहा कि हीना का कॉन्फिडेंस देखकर बिग बॉस सीजन 11 के 2-3 एपिसोड्स के बाद ही मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे हीना खान के साथ काम करना है। विक्रम भट्ट ने कहा कि उस वक्त भी मेरे दिमाग में फैशन एडिटर की एक कहानी थी और मुझे लगा कि मुझे अपनी फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस मिल गई है। इतना ही नहीं, विक्रम भट्ट ने आगे इस बात का भी खुलासा किया कि मैं जून में ही हीना खान के साथ शूट करना शुरू कर दूंगा। बचे हुए दिनों में मैं अपनी फिल्म के लिए विलेन तलाश रहा हूं जो हीना खान के अपोजिट रोल प्ले करेगा। जी हां, यानी कि हीना खान का रोल इस फिल्म में पॉजिटिव होगा, एक फैशन एडिटर का रोल। आपको ये भी बता दें कि ये फैशन एडिटर हो जाएगी साइबर क्राइम का शिकार। हीना की विक्रम भट्ट की इस फिल्म में इस फैशन एडिटर की यानी कि हीना खान की सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स से उसकी पर्सनल डिटेल्स लीक हो जाएंगी, जिसके बाद वो हैकर बेचारे फैशन एडिटर का जीना मुश्किल कर देगा। जी हाँ, साइबर क्राइम पर ही बेस्ड है हीना खान की आने वाली ये फिल्म। तो भाई अब बस कीजिए इंतजार, कोमोलिका आने वाली है पर्दे पर करने सबके दिलों पर वार। फाइनल कट, एंटरटेनमेंट डेस्क।